व्हाट्सअप गाइज, तो क्या हाल चाल। एंड गाइज यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो कि आप लोग सोच नहीं सकते। यानी कि इतना हार्ड वाला मैं एडिटिंग वीडियो ला चुका हूं जो कि पूरे यूट्यूब पे ना तो कोई बंदा अभी तक डाला होगा ना तो कभी डालेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इतना हार्ड हमारा फोटो बन रहा है जो कि आप लोग डिस्प्ले पर देखते रहिए ध्यान से। और एक बात कि अगर आप लोग को सेम टू सेम ऐसा एडिटिंग, यानी कि मैं बताऊँगा आपको फुल HD CV एडिटिंग, जो कि आप लोग तो जानते हैं कि CV एडिटिंग करना कितना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी मोबाइल फ़ोन के सहायता से। बट आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। आप लोग जानते हैं कि आप लोग तो YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, बट क्या होता है कोई भी रियल ट्रिक नहीं बताता है CV एडिटिंग का। बट आप लोग तो जानते हैं कि मैं सारा का सारा ट्रिक जो होता है वो रियल बताता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो पहले कितना ज़्यादा बेकार था, बट एडिटिंग के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड हो चुका है। और फेस की बात करें तो फेस भी देख लीजिए कितना क्वालिटी, जो कि देखिए पूरा फेस हमारा ब्लर था, बट हम जब एडिटिंग किए तो देखिए कितना हार्ड फुल HD देख लीजिए। और किस तरह से मैं अपने आँख में ये वाला लेंस लगाया हूँ इतना HD में, और किस तरह से मैं कट मारा हूँ। और आपको बताऊँगा एक और सबसे खास बात जो कि होता है कि हेयर बनाना, जो कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का हेयर फोटो में ख़राब आ जाता है, तो आप लोग किस तरह से अपने हेयर को सेट कर सकते हैं, वो भी CV किस तरह से अपने हेयर को बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल मेरा ये हेयर है, कितना मस्त CV लग रहा है, और बैकग्राउंड भी आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड लग रहा है। देखिए सभी के सभी लोग यूट्यूब पर क्या करते हैं कि चुतिया बनाते हैं आप लोग को, मैं जानता हूँ। देखिए सब सीरियसली मैं बता रहा हूँ, सभी के सभी लोग क्या करते हैं आपको चुतिया बनाते हैं। बट मैं देखिए जिस तरह मैं अभी थंबनेल बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा ही एडिटिंग आपको वीडियो को लास्ट तक आप लोग को आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक या फिर जो आपको मन करे वो आप लोग कर सकते हैं। बट मैं सारा का सारा ट्रिक रियल बताने वाला हूँ, सारा कुछ बताऊंगा A to Z, कहाँ किस तरह किस एप्लीकेशन में क्या चीज लगाया जाता है, सब कुछ आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। और एक निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, अपना फोटो को ले लेना, जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो कितना ज्यादा बेकार है और क्वालिटी पूरा ही ब्लर है। बट आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वालिटी को हाई करना है। तो देखिए क्वालिटी को हाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फोटो को ले चलेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग को सबसे पहला स्टेप आपको आ जाना है कहाँ पे, स्नैपसीड में। और इसमें आने के बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका जो हेयर होता है वो पूरा ब्राइटनेस लो हो जाता है, यानी कि हेयर जो बिल्कुल ही क्वालिटी लॉस होता है। तो आपको क्या करना है, स्टिल इमेज पे आना होगा और आपको एम्बियंस को पूरा हाई कर देंगे। देखिए पूरा हाईलाइट में हमारा हेयर हो चुका है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बस हमारा चेहरा खराब हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे जाकर आपको व्यू एडिट पे जाना है, इस पे जाकर आप लोग को बीच वाले पे क्लिक कर देना है, फिर आपको इस इन्वेट पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह इरेज कर देना है। देखिए सिंपली आपको बस अपने हेयर पे इफेक्ट को रहने देना है, और फेस का इफेक्ट हम लोग इस तरह क्या करेंगे, फेस हो गया, हाथ हो गया, गर्दन हो गया, हम लोग इस तरह हटा लेंगे। देखिए कितना मस्त, देखिए अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना मस्त बिफोर एंड आफ्टर, कितना गजब का हमारा हेयर HD हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना, एक बार और आना है डिटेल पे, और इस बार क्या करेंगे हम पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको पूरा हाई कर देंगे, फिर आपको सही पे क्लिक करना है, फिर हम क्या करेंगे इस पे आएंगे, और आपको व्यू एडिट पे आना है, इस डिटेल पे जाकर बीच वाले पे जाना है, फिर आपको इस इन्वेट पे क्लिक करके क्या करना है, सिंपली अपने फेस का इफेक्ट जो है इसको हम लोग को हटा लेना है। देखिए इस तरह हमको फेस पे इफेक्ट नहीं रखना है, वरना फेस हमारा खराब बन जाएगा। तो आप लोग इस तरह देखिए फेस का इफेक्ट हो गया, गर्दन सारा कुछ आप लोग इस तरह हटा लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, अपने फोटो को एक बार और आना है डिटेल पे, और आप लोग को बस शार्पनिंग को करना है +27। उसके बाद देखिए फोटो कितना बिफोर एंड आफ्टर, कुछ HD और बैकग्राउंड आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं कितना HD बन चुका है। तो आप लोग को बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है। फिर आप लोग एक काम और करिएगा, छोटा सा काम, आपको ट्यून इमेज पे एक बार और आना है, और आपको एम्बियंस को बस प्लस कितना करेंगे, +10 कर देंगे, जिससे क्या होता है फेस पे तनी तनी सा रेड टोन आता है, इससे फोटो जो आपका होता है पूरा HD और पूरा वाइट स्मूथ होता है। तो फिर क्या करेंगे, इतना काम आप लोग को समाप्त करने के बाद आप लोग को फोटो को लेकर आ जाना कहाँ पे, लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो देखिए मैं लाइट रूम में आ जाता हूँ,
लाइट रूम में आने के बाद देखिए फोटो हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको एक ठू दूंगा प्रीसेट, जिससे क्या होगा फोटो आपका और भी ज़्यादा HD और बैकग्राउंड जो होगा वो दो कलर का हो जाएगा। तो आपको 3 डॉट पे आना है, कॉपी सेटिंग पे जाना है, और आप लोग ज़्यादा कुछ मत करिएगा, बस इस नीचे वाले को मार्क लगाकर सही पे क्लिक कर देना। फिर आपको बैक आना है और आप लोग क्या कीजिएगा अपने फोटो पे आ जाइएगा। इस पे आने के बाद देखिए मैं आ गया हूँ अपने फोटो पे, फिर आपको 3 डॉट पे जाना है और आपको पेस्ट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए वन क्लिक और जो आपका फोटो है पूरा गजब तरह से, देखिए बिफोर एंड आफ्टर पूरा गजब तरह से पूरा फेस पे लाइट आ चुका है। सिंपली बस आपको इतना ही काम करना होता है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसके बाद, आप लोगों को फोटो को ले चलना पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो हम सेट रूम पे चले जाएंगे। देखिए लाइट रूम का काम समाप्त हो गया, यानी कि एक स्टेप हम लोग का समाप्त हो चुका है, अब बचा है दूसरा स्टेप, ठीक है। तो जो कि दूसरा स्टेप हम पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड बनाने वाले हैं। तो बैकग्राउंड किस तरह बनता है सीवी आप लोग ध्यान से देखिए, तभी आप लोग को पता चलेगा। एक और बात की वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सीवी एडिटिंग में बहुत समय लगता है। तो आपको इफेक्ट पे आना है, कलर पे जाना है, और आपको कलर रिप्लेस पे जाकर आपको बैकग्राउंड पे मार्क लगाना है। और इसको आप लोग क्या करना है, पूरा आप लोग को ग्रीन कलर है, देखिए ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया, तो आपको पूरा ग्रीन करना है। फिर आप लोग को सही पे क्लिक करना, उसके बाद आपको एक बार और इफेक्ट पे आना है, और आपको आर्टिक्स पे जाना है, सबसे लास्ट में जाना है। तो एक ऑप्शन आएगा फेटल वन का, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए लोडिंग लगा, उसके बाद आपको इरेज पे जाना है, और आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस तरह सिलेक्ट पे जाकर आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा सारा इफेक्ट आप लोग का बैकग्राउंड पे चला जाएगा। फिर आपको देखिए कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है, देखिए इसमें बहुत सारा अप्लाई है, देखिए बहुत सारा इफेक्ट है। तो आपको लेना है मल्टीप्लाई वाले को, इसको पूरा हम लोग लो कर देंगे, देखिए हाई लो कोई बात नहीं, हम तो इसको करेंगे इसको पूरा लो, इससे क्या होगा देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो देखिए इतना पे आप लोग को कर देना है, ठीक है, आप लोग 45 कर दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, फोटो को सेव कर लेना है, इधर से डाउनलोड करेंगे फोटो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं यहाँ से क्वालिटी लॉस होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इधर से भी आप लोग सेव कर सकते हैं, फुल HD में सेव होगा, वो फोटो पहले से HD में होना चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फोटो रूम एप्लीकेशन में आ जाएंगे, और आपको बताता हूँ कौन सा ब्लर आप लोगों को करना है, तब जाकर आपका फोटो सेवी बनेगा। तो आपको क्या करना, स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक करना है, कट करेंगे, फिर एक ठो ऑप्शन आएगा, यानी गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, यानी सारा फोटो आपका ओपन होगा। तो आपको अपना फोटो इधर से ले लेना है। तो देखिए फोटो लेने के बाद क्या होगा कि पूरा स्कैनिंग करेगा, देखिए 2-3-4 राउंड ऊपर नीचे करेगा, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो कि आपका नेट फास्ट होना चाहिए, तभी जाकर ये जल्दी वर्क करेगा। फिर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा ब्लर का, जो कि आप लोगों में ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो आपको ब्लर पे आ जाना है। ब्लर पे आने के बाद आपको देखिए इसमें बहुत सारा ब्लर मिलता है, ठीक है, जो कि बहुत सारा ब्लर का ऑप्शन मिल जाए, तो आप लोग हमेशा सस्पेंशन में रहते हैं कि कौन सा ब्लर हमको लेना चाहिए। तो देखिए सीवी फोटो बनाने के लिए सबसे लास्ट वाला हमको ब्लर को लेना चाहिए, और इसको फिर हम लोग कर देंगे पूरा हाई। उसके बाद आप लोग क्या करना, इस फोटो को आप लोग को ले चलना कहाँ पे, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। इतना सारा काम हो गया, अब हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में। देखिए शेयर कर दिया हूँ, और पिक्स आर्ट आएगा तो उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो देखिए आप लोग को पिक्स आर्ट में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सारा कुछ बताऊंगा। देखिए बैकग्राउंड तो अभी सीवी नहीं बना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इधर आइकन आया हुआ है फोटो रूम का, तो हम इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आपको इधर आना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, और इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका बिना ब्लर वाला फोटो था उसको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो देखिए इस वाले फोटो को ले लेंगे हम लोग, और फिर आपको क्या करना, ऊपर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फोटो क्या करना है, पूरा इस तरह बराबर बैठा लेना है। तो देखिए हम लोग बैठा लिए, फिर आपको इरेज पे आना है, इनवेट करेंगे, और जो फोटो रूम का आइकन है इस पे हम लोग इस तरह रीस्टोर कर देंगे, जिससे क्या होगा ये गायब हो जाएगा फोटो रूम का। तो बस आपको इतना ही काम करना है, फिर आपको सही पे क्लिक कर देगा। उसके बाद देखिए गाइस आपको क्या करना है, एक बार और आपको इधर आना है, देखिए बता रहा हूँ इस वाले आइकन पे, और इस पे आने के बाद आर्टिक्स पे आ जाना है, और आर्टिक्स पे आने के बाद सबसे लास्ट में जाएंगे तो एक ठो ऑप्शन मिलेगा फेटल वन का, जो कि हम पहले भी यूज किए थे इसको एक बार, बट एक बार और हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इस पे आएंगे, आपको मल्टीप्लाई पे जाना है, और आपको इरेज पे जाकर आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, जिससे क्या हुआ सारा इफेक्ट बैकग्राउंड पे जाएगा। देखिए सीवी बैकग्राउंड लग रहा है, बट अभी क्या करना है आपको, इसको अपने हिसाब से रखना है। तो मैं इसको क्या इतना मैं इसको रखता हूँ, देखिए इतना रखूंगा मैं, ठीक है 71, आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। चलिए हम इसको कर लेते हैं 75, और फिर देखिए हम लोग सही पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ एक ठो हेयर PNG और एक ठो टैक्स PNG, और सारा कुछ बताऊंगा। तो आपको एक काम और करना है, क्या करना है, आपको स्टिकर पे आना है,
और आपको सर्च करना है लाइट पीएनजी। तो मैं देखिए सर्च करता हूँ लाइट पीएनजी, उसके बाद इस वाले लाइट को आप लोग को ले लेना है। फिर आपको बैलेंस पे जाकर स्क्रीन कर देना है। इसको क्या करेंगे, एक ठोक लाइट को यहाँ पर लगाएंगे और ऑप्सिटी को हम क्या इधर डाउन कर देंगे। देखिए इतना पे इसे क्या फोटो आपका मस्त लगता है। देखिए इतना पर करेंगे, फिर आपको इसको डुप्लीकेट करके आपको एक ठो लाइट को यहाँ पर लगा देना है। देखिए इसको ऑप्सिटी को भी आप लोग को डाउन कर देना है। फिर बस इतना ही आपको काम करना है। उसके बाद लगाना है टेक्स्ट पीएनजी। तो देखिए आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और एक बात की सब स्टॉक का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम लेंगे द बॉय, जो कि आप लोग जानते हैं कितना फेमस टेक्स है। तो क्या करेंगे, इधर आपको आना है कहाँ पे, देखिए इसको इतना कोना पे करेंगे और आपको ब्लेंड पे आना है, इसको स्क्रीन कर देना है। इसको कितना पे लगाना है, देखिए आपको इतना रोटेट करके, देखिए रोटेट करके आपको इतना पे लगाना है। फिर आपको एडजस्ट पे आकर क्लैरिटी को हाई करेंगे। देखिए कितना मस्त ये लग रहा है। और इधर बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप लोग अपने हिसाब से ये मिस्त्रियाँ कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको हाई करते हैं। फिर आपको हम क्या करेंगे, सही पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको लेना है एक ठो हेयर पीएनजी। तो हम लोग आएंगे ऐड फोटो पे एक बार और, ठीक है, अपना हेयर पीएनजी लेने के लिए। इस वाले हेयर पीएनजी को ले लेंगे और आपको ऐड पे क्लिक करना है। देखिए फिर इसको आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए मेरा पहले से एडजस्ट हो गया, बट इसको आप लोग अपने हिसाब से क्या करना है, इस तरह एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए इस तरह मैं खींचूंगा, इस तरह ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। देखिए पूरा रियल हमारा लग रहा है, 1% भी लग नहीं रहा है कि पूरा फेक है, बट ये पूरा रियल लग रहा है। ये टेक्स्ट पेज इतना हार्ड है कि जो कि इसका यूज आप लोग करिए और अपने फोटो को लाजवाब लुक दीजिए। फिर आपको इतना सारा काम करने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली इधर सेव वाले ऑप्शन पर आ जाना है और आपको मोर वाले ऑप्शन पर आना है। अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। लोग को स्नैपसीड में आने के बाद क्या करना, आपको सिलेक्टिव वाले पार्ट पे आना है। देखिए जो जो मैं ट्रिक यूज करता हूँ सारा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, 1% फेक नहीं बता रहा हूँ। फिर आपको क्या करना, जहाँ पे आप लोग को अंधेरा पार्ट दिखाई दे, देखिए कुछ यहाँ पे कम ब्राइटनेस है, यहाँ पर हाई लाइट करेंगे, ठीक है। फिर देखिए इधर आँख में कम लाइट है, तो आँख में हम लोग को ब्राइटनेस को हाई कर दें, यानी कि जहाँ जहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस लो दिखाई दे वहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस को हाई कर लें। देखिए मैं इधर हाई करता हूँ, फिर कान में हाई करता हूँ। देखिए बस आप लोग को इतना काम करना है। फिर आप लोग और भी अच्छे प्रकार से कर दीजिएगा अपने हिसाब से, ये नहीं कि मैं जितना कर रहा हूँ उतना मत करिएगा। आप लोग अपने हिसाब से कितना भी बार, आप लोग आधा घंटा लगा सकते हैं, 1 घंटा लगा सकते हैं, बट आप लोग अच्छा फोटो करिएगा। फिर आपको सेव पे चले जाना और आपको क्या करना है, अब रेमनी एप्लीकेशन को ओपन करना, क्योंकि सारा प्रोसेस तो हो चुका है बैकग्राउंड का, अब बस बचा है फेस का वर्क, जो कि आपको रेमनी यूज करना है जिससे फोटो हमारा एच डी में होगा। फिर इस पे आएंगे और आपको क्या करेंगे, ऊपर एनएच पे क्लिक कर देगा। उसके बाद कुछ लोडिंग लेगा और एक ठो ऐड आएगा। तो देखिए मेरा लोडिंग ले रहा है और अभी एक ऐड आएगा, तो ऐड को हम लोग वॉच करेंगे, फिर फोटो हमारा फुल एचडी हो जाएगा। देखिए हम लोग वेट करते हैं। मोबाइल रिचार्ज, तो देखिए ऐड हमारा आ चुका है, जो कि 17 या 20 सेकंड का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड को फुल वॉच कर लेते हैं। तो देखिए ऐड हमारा चल चुका, फिर आपको क्या करना है, इस कट वाले पे क्लिक कर देना और देखिए 1 क्लिक और फोटो आपका फुल एचडी हो जाएगा। देखिए पहले कितना बेकार था, बट रेमनी यूज के बाद देखिए पूरा एचडी हो चुका है फोटो आप लोगों का। तो क्या करना, आप लोग को इधर से फोटो को सेव कर लेना, फिर एक ऐड आएगा, तो इसको भी हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। तो देखिए ऐड चलने के बाद आपको कट पे जाना है और कट पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक क्या होगा, फोटो आप लोग का सेव हो जाएगा। तो बस इतना प्रोसेस आपको करना है, अब बचा है फेस स्मूथ का प्रोसेस, जो कि आपको बताऊंगा बेसिक तरीका, बेसिक से लेकर और पूरा हार्ड तक बताऊंगा आपको, ठीक है। जिनको बिल्कुल नहीं आता है फेस स्मूथ करना, उनको भी फेस स्मूथ आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डन पे क्लिक कर देते हैं, फिर हम चलते हैं गैलरी में। ये फोटो हमारा ये इधर गैलरी में आ चुका है, देखिए कितना एचडी हो चुका है, जो कि पहले देखिए कितना ही ज़्यादा बेकार फोटो हमारा था, जो कि पूरा फुल एचडी हो चुका है, जो कि आप लोग इसका यूज नहीं करते हैं, जिससे चलते आप लोगों का फोटो एचडी नहीं बनता है। फिर हम क्या करेंगे, अपने फोटो को ले चलेंगे स्क्रेच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो हम लोग आ जाएंगे स्क्रेच बुक में, और तो आप लोग जानते हैं कि मैं सारा वीडियो यूट्यूब पे यानी कि 2-3 से वीडियो फेस स्मूथ के ऊपर दे दिया हूँ, जो कि आप लोग कोई भी एक वीडियो आराम से देखकर फेस स्मूथ सीख सकते हैं। तो हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। देखिए हेयर आप लोग का बनाए थे हम लोग, आपको इधर ऊपर जाना है और इस वाले ब्रश को लेना है, सेटिंग पे जाकर आप लोग को सेटिंग को इतना रखना है। उसके बाद आप लोग को अपने फोटो को इस तरह जूम करना है, और जूम करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए आराम आराम से इस तरह, देखिए मैं किस तरह आराम आराम से स्मूथ कर रहा हूँ। देखिए ब्रश को ज़्यादा हल्का हल्का आराम से, ज़्यादा आप लोग दबाइएगा मत, आप लोग हल्का हल्का इस तरह स्मूथ करिएगा। देखिए हल्का हल्का ब्रश को चलाइए, कितना मस्त स्मूथ हो रहा है, देख लीजिए। तो इसी प्रकार से आप लोग को ब्रश को चलाना है, तभी मस्त स्मूथ होगा। देख लीजिए मैं 1% कुछ फेक नहीं बताऊंगा, वीडियो को पूरा रियल तरह से बता रहा हूं। तो आपको इसी प्रकार से आप लोग को स्मूथ करना है अपने फेस को, ठीक है, जिस तरह मैं कर रहा हूं उसी प्रकार से आप लोग करना है। देखिए
देखिए गाइस, आप लोग तो जानते हैं कि जिस तरह फेस का आकार होता है उसी तरह हमको ब्रश को चलाना होता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ना, ये तो आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरा कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को फास्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी एस्केप ना करिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं ब्रश को चला रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग ब्रश को चलाना सीख लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को फास्ट करता हूँ और आप लोग सीखते रहिए। देखिए इतना काम होने के बाद आपको क्या करना, एक यहाँ पे कट मारना है। तो कट मारने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रश पे जाएंगे और आपको एक इस वाले ब्रश को ले लेना है, सेटिंग को इतना रखना है। फिर आपको क्या करना, इस पे आएंगे और आप लोग जाइएगा इस वाले गाइड्स पे और इस पे आने के बाद ऑटोमेटिक कुछ इस तरह ये बैठ जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह अच्छे प्रकार से सेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। आप लोग अच्छे प्रकार से इसको सेट कर लीजिएगा और देखिए मैं इसको सेट करता हूँ अच्छे प्रकार से इस तरह सेट किया जाता है। तो इतना सेट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए बता रहा हूँ आपको, आराम से इस तरह ब्राउनी पे एक बार कट मारेंगे। फिर आपको इधर से आपको इस तरह हेयर पे कट मारना है। देखिए बस आपको इतना काम करना है, फिर आप लोग क्या कर सकते हैं इसको कट कर दीजिएगा। फिर आपको इस पे आना है और इस वाले ब्रश को लेकर आप लोग क्या करना, इस तरह देखिए इसको मिला देना अच्छे प्रकार से, इसको मिलाएंगे फिर इसको मिलाएंगे, देखिए इस तरह, इससे क्या होगा फोटो आपका बिल्कुल मस्त लगेगा। कितना मस्त देखिए मिल चुका है। और इसको आप लोग क्या करना, देखिए हेयर को आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा इस तरह कर देता हूँ। देखिए इस तरह आप लोग को बस इतना काम करना है, आप लोग अपने हिसाब से और भी हेयर को लगा सकते हैं और भी कट को मार सकते हैं, बट हम इतना ही करते हैं। और फिर आपको सबसे लास्ट स्टेप में फोटो को ले चलना है आप पे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए फेस तो स्मूथ हो गया, अब बस बचा है फेस पे आप लोग किस तरह से चमक दे सकते हैं बहुत ज़्यादा, सीवी कलर आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फोटो को लेकर आ जाएंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में और आपको क्या करना है, आपको टूल्स पे जाना है, सिलेक्टिव पे जाना है और इस पे जाएंगे। फिर आपको ऊपर मार्क लगाकर ब्राइटनेस को हाई करेंगे, इसको लो करेंगे। फिर आपको गाल पे मार्क लगाना है देखिए इस तरह, और ब्राइटनेस को देखिए बता रहा हूँ, ब्राइटनेस को हाई करेंगे, इसको लो करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग को हर जगह इस तरह कर लेना है, देखिए इधर ब्राइटनेस को हाई, इसको लो। देखिए इससे क्या होगा, देखिए फेस पे बहुत ज़्यादा चमक आएगा आप लोग को, अभी मैं बताऊँगा कितना ज़्यादा चमक आ रहा है फेस में। आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ सिखा रहा हूँ, देखिए जानते हो तबीयत खराब इसलिए कुछ बोलने में दिक्कत हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग सारा कुछ समझते हैं, मैं जानता हूँ। फिर आप लोग को अच्छे प्रकार से दे देना है लाइट को। तो देखिए लाइट को देने के बाद देखिए दिखा रहा हूँ आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त चमक आ चुका है। तो फिर सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, फोटो को लेकर चलेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो देखिए आप लोग को लाइट रूम में आने के बाद, ये मेरा पहला फोटो है जो कि मैं अपने लिए बनाया था और ये वीडियो आप लोग को बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सेम सेम बन चुका है, बस फेस का कलर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, अपने फोटो पर क्लिक करेंगे और देखिए मैं बता रहा हूँ किस तरह आप लोग सेम सेम कलर मैच करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है कलर पे और आप लोग टेम्परेचर को लो कर देना है -4, इसको +4, इसको +4, इसको -2, ठीक है। इतना आप लोग काम करेंगे, फिर आपको आना है मिक्स पे और मिक्स पे आने के बाद आप लोग को फर्स्ट दोनों पे आना है और इसको लो करके इसको हाई करना है। इससे क्या होगा, फेस आपका बहुत ज़्यादा चमक आ रहा है। फिर आप लोग को अपने हिसाब से रखना है, इसको रेड आप लोग कर देना है, इससे क्या होगा फेस पे रेड टोन आ जाएगा। फिर आप लोग को एक नॉब पे आना है, इसको पूरा हाई कर देना है, कितना मस्त हमारा लग चुका है। और फिर आपको ग्रीन पे आना है और ग्रीन पे आने के बाद आपको सिचुएशन को भी हाई कर देना है। एंड इसके बाद आप लोग को इफेक्ट पे आना है, क्लैरिटी को हाई कर देना, जिससे आपका फोटो और ज़्यादा HD हो जाएगा। और डिटेल पर लास्ट में जाएगा, शार्पनिंग को इंक्रीज करके रेडियस को लो कर दीजिएगा और डिटेल को हाई, इससे क्या होता है फोटो फुल HD हो जाएगा। तो देख लीजिए गाइस, सेम टू सेम फोटो एडिटिंग कर दिया हूं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के डेली वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।